Hey guys, what's up? I'm Tokredits and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? I hope हम सारा एकदम बढ़िया रहते हो. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ आप सब लोगों की वजह से, क्योंकि आप सब लोग इतना प्यार देते हो, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर इतने कंप्लीट हो चुके हैं. एंड हम रुकने वाले नहीं, इसी तरह प्यार देते रहो और बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है. हमने 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, जल्दी हम 1 मिलियन भी करेंगे, तो दिक्कत मत लेने की बात ही नहीं. और एडिटिंग के लिए तुम्हारा भाई है. अब आते हैं इस फोटो एडिटिंग के ऊपर. सो गाइस, रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पिक अपलोड करी थी, मेरे आपके साइड में आ रहा थोड़ी क्लासिक एडिट थी, जिसके अंदर मैंने ऐसा करके खड़ा हुआ जैकेट ब्लैक कोट पहन के, एंड साइड में मेरा पिटबुल डॉग है, तो काफी डोप कंसेप्ट लग रहा. एंड इसके नीचे काफी सारे कमेंट्स आ गए थे, बोले तो 1200 कमेंट आ गया यार इसके नीचे कि इसका ट्यूटोरियल बनाओ. तो मैं सोचा चलो ठीक है, मुझे ट्यूटोरियल तो बनाना होता ही है यार, हर फोटो को तुम लोग कमेंट कर देते तो और मतलब हो जाता है कि ट्रोल बनाना ही है, अब तो बनाना ही है, सोचना ही नहीं है कि नहीं बनाना. ठीक है, सो इसके अंदर जो भी मैं बैकग्राउंड पीएनजी यूज करूंगा ना, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर सकते हैं. फुल एचडी में सारे पीएनजी होंगे, तो कोई दिक्कत मत लेना, एचडी में आपकी फोटो एडिटिंग होगी. एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कह रहे हो, जल्दी 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करा दो, क्योंकि यार 2000 ही रह गए, 98K तो हो गए, तो जल्दी कंप्लीट करा दो. सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, अब चले चलते हैं वीडियो तरफ. सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी फोटो क्लिक करानी कुछ इस तरह से. ठीक है, आप कोई भी किसी चीज के ऊपर बैठ जाना, जैसे मेरे को ड्रम मिल गया तो मैं ड्रम के ऊपर बैठ गया, तो आपको बस बैठना, आप किसी के ऊपर ही बैठ जाना, लेकिन पूरा मत बैठना यार, थोड़ा सा खड़ा रहना, जैसे मैं इस फोटो में खड़ा हूं थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि हमें गाड़ी के ऊपर बैठना है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. तो हमें फिर क्या करना है, इसका बैकग्राउंड इरेज कर देना. तो मैंने इसका पहले से बैकग्राउंड इरेज कर रखा है, तो मैं बैकग्राउंड इरेज नहीं करूंगा अभी. एंड अगर आपको नहीं पता बैकग्राउंड कैसे इरेज कर, तो मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, पूरी वीडियो बना रखी है कि बैकग्राउंड परफेक्टली इरेज कैसे करते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो. ओके, सो गाइस, अब हमको वाला बैकग्राउंड लेना अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में. एंड इस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. फुल एचडी में बैकग्राउंड है गाइस ये. देन हमें क्या करना है, अपनी फोटो हमने जो इरेज कर रखी है उसके यहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, तो उसको हमको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करना, तो मैं कर लेता हूँ ऐसे, एंड सिंपली यहाँ से डन कर देना. ओके, सो अब मैं अपने हेयर में देख रहा हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे मतलब इसमें सेट नहीं हो रखे, तो मैं क्या करूँगा, हेयर पीएनजी लगा दूंगा. एंड अगर आपको हेयर पीएनजी चाहिए तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना. हर चीज़ का पीएनजी का लिंक दे रखा है तुम्हारे भाई ने, ताकि आप सब लोगों को कुछ दिक्कत ना हो. तो इसके लिए आप लाइक करो यार वीडियो को, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना यार. सो इसको मैं नीचे से इरेज कर दूंगा, ताकि जो ये है ना मैच हो जाए, हमारा बाल है ना अपने, हमारे जो हेयर है वो हमारे हेयर से बिल्कुल मैच हो जाए, जैसे ऐसे. साइज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, हल्का छोटा कर लेता हूँ, एंड सिंपली यहाँ से डन कर देना है. ओके गाइस, सो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ऐड फोटो के अंदर, एंड अब हमको लेना है पिटबुल डॉग का पीएनजी, जो कि ये रहा. देन सिंपली हमें इस पीएनजी को, हमारा जो ये डॉग है पिटबुल जो हमने अभी खरीद रखा है अपने किराए पे फोटो एडिटिंग के लिए, तो इसको हमको यहाँ पे खड़ा कर देना है. सो अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कैसे करना है, जो पट्टा है ना गाइस, ये पट्टा दिख रहा है आपको, ये पकड़ने वाला, ये अपने हाथ के पास ऐसे लगाना. ठीक है, सो आपके हाथ में बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए. सो गाइस, मैंने पिटबुल डॉग का पीएनजी तो अपना सेट कर दिया, अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा यहाँ सिंपली, एंड इरेजर टूल पे जाके जो भी मेरे फिंगर के ऊपर ये पट्टा आ रहा है ना, इसको मैं इरेज कर दूंगा ऐसे, ताकि ऐसा लगे हमने ये पट्टा जो पकड़ रखा है इसका अपने हाथों में. सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऐसे, एंड इसकी वापस से ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ सिंपली, एंड यहाँ से सिंपली डन कर देना है. ओके, सो ये हमारा डोगी लग चुका, एंड हमारे सीबी हेयर पीएनजी भी लग चुके, एंड हमारा जो मॉडल भी लग चुका, तो हमारे सारे पीएनजी वगैरह तो लग चुके हैं. अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा गाइस आपको, ये लाइट ही दिख रही होगी ऑरेंज ऑरेंज. ठीक है, ये सो हमें क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड ताकि हमारे फोटो मैच हो जाए, इसके लिए हम एक लेंगे लेंस फ्लेयर का पीएनजी, जो कि ऑरेंज कलर का होगा. तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपली ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना. ठीक है, तो इसका पीएनजी भी आपको नीचे मिल जाएगा. देन इस पीएनजी को गाइस हमें अपनी फोटो के साइड में राइट साइड में ऐसे लगाना है ऐसे. ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना. अब आपको, आप मेरे जैकेट पे देखो एक बार, इसकी जो लाइटिंग आ रही है देखो, ऑरेंज ऑरेंज इधर ही है, तो इस यही फोटो का हमारे रियल सा लुक दे. तो काफ़ी मेन है इसको यूज़ करना, ये मत करना कि भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे तो अलग ही वो है, यूज़ करना है ज़रूर यार. तो इसको हमने यहाँ पे लगा के सिंपली डन कर देना है. ठीक है, सो अभी ये शैडो वगैरह की दिक्कत है जो वो हम आगे देखेंगे, वो लाइटर में हमारा हो जाएगा अभी, दिक्कत मतलब टेंशन मत लो यार, तो फिर भाई ने तो शैडो बनाई नहीं, सो दिक्कत मत लो, आगे काम होएगा हमारे अभी. तो हम क्या करेंगे, हमारे सारे पीएनजी वगैरह तो लग चुके थे, ज़्यादा पीएनजी तो हमें इसमें कुछ लगाने नहीं था यार, एक डॉग का पीएनजी लगाना था जो हमने लगा लिया पिटबुल का, एंड हमारे हेयर पीएनजी लगाना था, अपने आपको खड़ा करना था. ठीक है, देन अब मैं क्या करूँगा गाइस, अपने फेस पे ग्लो मारूंगा. ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, टूल्स में जाऊँगा, एडजस्ट में जाना है,
देन सिंपली अपनी फोटो की हमें हमेशा अगर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है 15 तक, देन इरेजर टूल पर जाकर पूरा इरेज कर देना। फिर ब्रश को लेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे हम, फिर हमको इस एरिया में मारना है, एक इस एरिया पे, एक एक गाल के ऊपर, एक गाल के इधर जो लाइन पे, एक इधर गर्दन पे, ऐसे। ये कुछ ज़्यादा गर्दन पे अजीब नहीं लग रहा? थोड़ा सा इसको साइज बड़ा करके मार देता हूँ ऐसे। टी शर्ट चूज पे आना जरूरी है क्या? सो ये हमारा ये जो हमारा ग्लो लग चुका, आप देखना, जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए पहले ऐसा था हमारा फेस, लेकिन हमने ग्लो को बढ़ाया, अपने फेस पे मारा, देखिए काफ़ी मस्त लुक आ रहा है यार। हमारे जो फेस के कट है ना, एकदम उभर के आ रहे हैं, मतलब हैंडसम लग रहे हैं यार, हम समझ रहे हो ना तुम। तो अब हमें कपड़े में भी थोड़ी सी चमक मारनी है, तो हम इधर जाएंगे दोबारा, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे कपड़ों के लिए, नहीं कपड़ों में ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा चमक आ जाएगी, ज़्यादा चमक भी नहीं चाहिए यार, ठीक है। एंड इसकी भी हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं, हेट, एंड यहाँ से डन कर देना। ओके गाइस, सो हमारा जो भी पिक्सआर्ट काम था ना, हमारे जितना भी पिक्सआर्ट हमारा जो काम करता है, सारा हमारा हो चुका है। अब जो भी हमें कलर ग्रेडिंग करेंगे वो लाइटरूम में करेंगे। सिंपली इस फोटो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, देन अब हम खोलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। लाइटरूम बाबा है, तो ये वॉलपेपर में आपको दिख रही होगी मेरी फोटो, आप सबने बोला था पिछली वीडियो में कि इसका ट्रोल बनाओ, तो देख लो तुम्हारा भाई बना रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करो तुम यार, लाइक करते नहीं वीडियो बनवा लेते हो तुम। तो अब हमें क्या करना है गाइस, लाइटरूम के अंदर अपनी फोटो को ऐड करना है, लेकिन हमारा लाइटरूम काला पड़ चुका है एंड ये क्लोज भी हो चुका है, तो ये बहुत नखरे दिखा रहा है, मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो रुको मैं एक मिनट इसका कुछ इलाज करता हूँ, ठीक है, वीडियो स्किप मत करना। सो गाइस, हमारा लाइटरूम ओपन हो चुका है, मुझे पता आप सब लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करी, करिए तो यार मत करिए, करो ऐसे स्किप। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अपनी फोटो को इसके अंदर ऐड कर देना, तो मैं अपनी फोटो को ऐड कर देता हूँ। सो गाइस, मेरी फोटो लाइटरूम के अंदर ऐड हो चुकी है, अब हम इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल रियलिस्टिक लुक वाली। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है, देन इस फोटो की शैडो बढ़ानी है हमको कुछ इस तरीके से, देन ब्लैक को कम करना है, ठीक है, देन हमें जाना नेचुरल टूल पे, फिर हमें जाना है मिक्स पे, देन हमें कलर सेकंड कलर सेलेक्ट करना है जो कि होता है हमारा फेस कलर ऑरेंज, देन इसकी ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे हम ऐसे, एंड सेचुरेशन को हल्का सा लिटिल, बिल्कुल लिटिल बिट ऐसे, सेचुरेशन ज़्यादा नहीं, 4- कर देंगे, ठीक है, ल्यूमिनस को ज़्यादा बढ़ा देता मैंने, कम कर देता हूँ इसको इतना, देन इसकी भी हल्की सी ल्यूमिनस बढ़ा लेना, देन हम जाएंगे इस वाले कलर पे, ये जो ब्लू कलर है, देन इसकी सेचुरेशन को कम कर देना, एंड सेकंड कलर ब्लू सेलेक्ट करना, इसकी भी सेचुरेशन को पूरा कम कर देना, ठीक है, इन दोनों की सेचुरेशन हमको कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, एंड ग्रीन कलर की भी सेचुरेशन को कम कर देना, इन तीन कलर की सेचुरेशन को हमको बिल्कुल कम रखनी है, एंड सिंपली फिर हमको यहाँ से डन कर देना। देन हमें जाना नेचुरल टूल पे, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ाएंगे ऐसे 33 तक ले जाएंगे, एंड गाइस देखना इस फोटो में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको क्लियरिटी से, आप देख सकते हो, देखो पहले ऐसी फोटो थी बिल्कुल अजीब सी फोटो लग रही है, लेकिन हमें क्लियरिटी को बढ़ाया जैसे ही, देखिए काफ़ी फोटो में उभार सा निकल के नेचुरली बहुत मस्त एडिट लग रही है। देन हमें जाना नेचुरल टूल पे, फोटो की थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा लेंगे ऐसे करके, ताकि हमारी फोटो शार्प हो जाए, एंड नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज कर दें, जो भी हमारे फोटो के अंदर नॉइज़ सारा खत्म हो जाए। ओके गाइस, सो अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा टेम्परेचर रेंज का, टेम्परेचर को हमको हल्का सा येलो टोन में रखना है, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा हल्का सा, 4 बहुत है, हाँ। सो हमारी जो कलर ग्रेडिंग है वो सारी हो चुकी है, लेकिन हमें थोड़ा सा नीचे शैडो में काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये शैडो जो हमारे पैर के नीचे शैडो कैसे बनानी है, भाई तो पीछे क्यों हो गया। तो सबसे पहले हमको सॉलिड टूल पे जाना है, जो कि मैं लाइटरूम के सी मोल्डर वर्जन में आता, तो मोल्डर वर्जन का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लो। देन आपको प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, देन आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना, देन आपको नीचे ऐसे करके मारना है, कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं पैर के नीचे गोला छोटा सा, एंड इसका एक्सपोजर कम कर देना है ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ से डन करना। देन दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे, दोबारा एक छोटा सा गोला सा बनाएंगे ऐसा, जो कि हमारी शैडो होती है इस तरह की कुछ, अपने पैर के नीचे रखना गाइस इसको, एंड इसके भी एक्सपोजर को ऐसे कम करना, एंड सिंपली यहाँ डन करना। देखिए गाइस, हमारी जो पैर की शैडो बन चुकी है काफ़ी इजी तरीके से, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा शैडो बनती है, तो देख रहा है आप गाइस, नई ट्रिक बताई मैंने आपको। देन हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे मारेंगे ग्रेडियंट, ताकि हमारी फोटो में थोड़ा सा रियल लुक आए, थोड़ा हम ब्लैक ब्लैक कर देंगे यहाँ का ऐसे, है ना, एंड सिंपली डन कर देना है। सो गाइस, हमारी फोटो पूरे अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है, देखो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, लग नहीं रहा, देखो गाइस मैंने इस फोटो को एडिट कराया है, बिल्कुल रियल सा लुक आ रहा है, जैसे हमने फोटो यहीं पे क्लिक कराई है। सो अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ पहले कैसी थी ना, अब कैसी है, बिफोर एंड आफ्टर, अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, काफ़ी मस्त फोटो लग रही है गाइस, जो कंसेप्ट है ना काफ़ी मस्त लग रहा है, ये पिटबुल बेचारा चुपचाप बैठा है, कह रहा है क्या, कहाँ से कहाँ उठा के लिया है मेरे को, बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस, हमारी फोटो पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो गया, हमें सिंपली करना है थ्री डॉट पे जाना,
सेव टू डिवाइस, इस फोटो को HD में आपको सेव कर लेना है। सो गाइस आई होप आपको फोटो एडिटिंग जो है पसंद आएगी, कौन सा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस तरह के एडिट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, टैग करना मत भूलना, इससे क्या होगा मैं आपकी फोटो देख सकता हूँ एंड लाइक भी कर सकता हूँ। सो गाइस चलिए चलते हैं, मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो मौज को, लव यू ऑल, बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.